ये क्वेश्चन है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, जो आपके 11th क्लास में है चैप्टर। इसमें क्वेश्चन था कि 1 - i√3 और अपॉन 1 + i√3 का आर्गुमेंट क्या होगा। क्वेश्चन ये था। तो इसमें हमारे वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने रेशनलाइज करा है, तो ये हो जाएगा 1 - i√3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a+b, a-b हो जाएगा, तो a2 - b2, तो ये हो जाएगा 1 + 3, दैट इज़ 4। तो ये 1 - 3 हो गया -2, -2/4 हो जाएगा -1/2, और जब ये इसके साथ जाएगा -2i√3/4, तो ये हो जाएगा i√3/2। तो r हो जाएगा हमारा अंडर रूट -1/2 का होल स्क्वायर प्लस -√3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये आपने 11th में पढ़ा होगा कि इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं ना जेड की वैल्यू को आर कॉस अल्फा प्लस आई आर साइन अल्फा से। तो आर कॉस अल्फा हो जाएगा हमारा क्या, -1/2, यानी कॉस अल्फा इज इक्वल टू -1/2, और आर साइन अल्फा हो जाएगा -√3/2, ये अबव इक्वेशन से। तो साइन अल्फा हो जाएगा -√3/2। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे दोनों वैल्यू जो आ रही है हमारी कॉस अल्फा साइन अल्फा, जो कि नेगेटिव है, और साइन अल्फा कॉस अल्फा हमारा नेगेटिव कब होता है, जब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180, तो ये फर्स्ट और सेकंड मिला के हो जाएगा, थर्ड वाला 60 डिग्री इसमें ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 180 + 160 = 2।